नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान बेली बटन यानी नाभि का बाहर आना या फिर अंदर चला जाना ये किस कारण से होता है। साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं के बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे कि मुझे ये जानना है मैम कि नाभि की वजह से जो इतने सारे वीडियोस होते हैं जिनमें लड़का और लड़की के बारे में बताया जाता है, तो ये एग्जैक्टली कितनी सच बात है, क्या ऐसा होता भी है। सो दोस्तों, इन सारे सवालों के आपको आंसर इस वीडियो में आई थिंक मिलने वाले हैं और आपकी जितनी भी डाउट हैं वो सभी आज क्लियर होने वाली हैं। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार के बेली बटन से जुड़ी हुई वीडियोज़ देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो वीडियो को पूरा तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, यदि आप नई बार चैनल पर आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली आते रहते हैं जिसके नोटिफिकेशन बेल ऑन करने पे आपको डेली उसके मैसेजेस प्राप्त हो जाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंफॉर्मेटिव टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही महिला का पेट बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब आप गर्भावस्था में होते हैं, तो आपका 3 महीने के बाद ही पेट दिखना स्टार्ट होता है। नॉर्मली महिलाओं के 4.5 या 5 महीने आने तक पेट जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है और कोई भी आपको दिखेगा तो ये समझ जाएगा कि आप प्रेग्नेंट महिला हैं। तो इसी दौरान क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बेली बटन है वो भी बाहर की तरफ आने लगता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, उन महिलाओं की बेली बटन बहुत ज़्यादा अधिक बाहर दिखाई देती है जिनके पेट पे काफ़ी ज़्यादा फैट पहले से ही था, यानी कि जो थोड़ी हेल्दी सी थी। क्योंकि फ्रेंड्स, पेट जो होता है ये बैलून के जैसा बढ़ने लगता है जब एक बच्चा पेट के अंदर होता है, और जो नाभि होती है इसी से बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है वो जुड़ा रहता है, एम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहा जाता है। तो प्लेसेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड ये दोनों ही बच्चे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और एम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाभि से जुड़कर माँ की नाभि तक आता है, यही एक मेन माध्यम होता है जो बच्चे और माँ को कनेक्ट करके पूरे 9 महीने तक रखता है। अब जब आप किसी भी बैलून को पीछे से प्रेशर देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बाउंस करता है, बाहर चला जाता है, तो ऐसी महिलाओं की बेली बटन ज़्यादा बड़ी उभरी हुई दिखाई देती है। उन महिलाओं की जो काफ़ी पतली दुबली थी और प्रेग्नेंट हैं, तो उनकी नाभि आपको थोड़ी सी अंदर दिखाई देगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रेशर है, जिन महिलाओं का बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं था, और बहुत सारी महिलाओं को तो 7वें 8वें महीने में आप देखोगे तब पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट है, तो वैसी महिलाओं का बेली बटन काफ़ी अंदर होता है और थोड़ी हेल्दी महिलाओं का बेली बटन थोड़ा बाहर निकल जाता है। इसी के अलावा बेली बटन जैसे ही आपका बाहर निकलने लग जाता है, तो मेन इसका एक ये भी रीजन होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं आपके शरीर में न जाने कितने अनगिनत बदलाव बहुत जल्दी होते हैं, और मेन शारीरिक बदलाव की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी महिला के बेली बटन के आसपास खुजली हो जाती है, कभी कभार रेडनेस सी हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स कि जब आपका पेट बाहर आने लगता है तो स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, तो इसका एक ये भी मेन रीज़न होता है। तो आपको इसे मॉइस्चराइज करना चाहिए, इसे बिल्कुल नमी के जैसा बनाए रखने के लिए आपको किसी भी अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करना होगा, किसी भी अच्छा तेल का जो प्राकृतिक हो, जिसमें किसी भी प्रकार का मिलावट ना हो, जैसे कि सरसों का तेल, नारियल तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल है, ये सारी चीज़ें जो नेचुरल होती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं मिला हुआ है, ऐसी ही तेल को आप अपने नाभि पे 1-2 बूंद डाल करके थोड़ा मसाज कर लीजिएगा, तो इससे रिलीफ मिल जाएगा, काली भी नहीं पड़ेगी और खुजली भी नहीं होगी। इसी के अलावा फ्रेंड्स, ये जितने भी बदलाव हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत ही आम और सामान्य बातें होती हैं जो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी मेडिसिन या कोई भी क्रीम बिना डॉक्टर से संपर्क लिए हुए आपको नहीं खाना चाहिए, इसका इफ़ेक्ट आपके बेबी के डेवलपमेंट पर पड़ सकता है। चलिए, ये तो हो गई बात कि नाभि बाहर या भीतर क्यों रहती है, लेकिन फ्रेंड्स अब जानते हैं कि इससे क्या पता चल जाता है कि घर में क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये टोटली एक मिथ है जो कि महिलाओं को काफ़ी सारे वीडियो से भ्रमित करती है कि अगर नाभि बाहर है तो लड़का होगा, अंदर है तो लड़की होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स, नाभि का बाहर आना या भीतर जाना घर में लड़का या लड़की होने के निशाने पर डिपेंड नहीं करता है। सो ये टोटली गलत चीज़ें हैं। आप जितनी भी महिलाओं से जो भी अनुभव कर चुकी हैं, प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, डिलीवर कर चुकी हैं बेबी, उनसे पूछेंगे, वो सभी इन चीज़ों को आपको सजेस्ट करेंगे कि बिल्कुल ही गलत है, निराधार है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी साइंटिफिक रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं
या फिर आप ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं तो ये आपको रिजल्ट निराशाजनक भी दे सकता है। इसीलिए आपके गर्भ में जो भी बेबी है उसके अच्छे भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए, प्रेगनेंसी एंजॉय करिए फ्रेंड्स, और किसी भी ऐसी धारणाओं पे, मिथ पे बिलीव करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आई रियली होप इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन्स डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी मन में शंका है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकती हैं, पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी है, उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसी होप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर गाइज, नमस्कार।